हेलो दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी। चलो आपसे बात करते हैं कि क्या आपको भी ऐसी कन्फ्यूजन है। आपके जो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, वो चाहे जो भी हो, आपका बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स में आपको मैथ पढ़ना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि साइंस में आपको फिजिकल साइंस में आपको फिर से न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं, ग्रेविटेशन पढ़ना है, आपको मोशंस पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, गति, संवेग, वेग, आपको ये पढ़ना है? क्या आपको ये लगता है? क्या आपको लगता है कि संस्कृत में आपको फिर से संस्कृत के श्लोक्स पढ़ने होंगे, संस्कृत के व्याकरण, या हिंदी में तद्भव, तत्सम, मुहावरे? क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था एक स्टूडेंट का। उसने कहा, सर कि मेरा बायोलॉजी से बीएससी है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होगा? मैंने कहा, ऑब्वियसली आपका बायोलॉजी होगा, मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी और मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। शी वॉज लाइक, सर मैं फिजिकल साइंस के अलावा कुछ और ले सकती हूँ? मैंने कहा, क्यों आप फिजिकल साइंस क्यों नहीं लेना चाहती है? तो वो कह रही है कि मेरा फिजिकल साइंस ना थोड़ा सा कमजोर है, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे लगा कि शायद बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि उनको फिजिकल साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, शायद बच्चों को ये लगता है कि उनको बायोलॉजिकल साइंस में फिर से बायोलॉजी पढ़नी है, फिर से वही ब्लड, कोशिकाएँ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है नहीं। मैथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ये दोनों डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो आपको मैथ में कहीं भी आपको मैथ के फॉर्मूलेस नहीं पढ़ने हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। आपको हिंदी में कोई व्याकरण, तद्भव, तत्सम नहीं पढ़ना है। आपको इंग्लिश में कोई प्रोस और पोएट्री नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स कॉमर्स में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में, ये आपके सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ने हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मैथड ऑफ टीचिंग है, ये शिक्षण प्रतिमान है, आपको शिक्षण कराना है। आपको ये पढ़ना है कि मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश कैसे पढ़ाना है, हिंदी कैसे पढ़ाना है, ज्योग्राफी, कॉमर्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कैसे, आपको ये पढ़ना है बीएड में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है। सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि आपकी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना, वो होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका मैथ है, तो मैथ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की परिभाषा क्या होती है। इसी तरह अगर आपका साइंस है, फिजिकल साइंस, सो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज द फिजिकल साइंस। आपका विज्ञान क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है। सिमिलरली अगर आपका बायोलॉजी है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। हिंदी में हिंदी क्या है, हिंदी भाषा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका कि पढ़ना क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना, उसका परिचय पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो होता क्या है और उसको विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़ना है, दूसरी चीज़ पढ़ना है कि इसकी शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग दैट सब्जेक्ट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर मैथ है, तो मैथ की टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, हिंदी के टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, आपको शिक्षण विधि पढ़ना है। और जैसे शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, क्वेश्चन आंसर विधि, प्रदर्शनी विधि, सो दिस आर द सम टीचिंग मेथड। तो ये चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं तीसरा चीज़ क्या पढ़ना है। तीसरा एक होता है मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इन सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है कि इवैल्यूएशन होता क्या है, मूल्यांकन कैसे करते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनके मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे, आपको ये चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा पढ़ना है आपको कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होता है आपके पढ़ाई में, ठीक है, आपको उसके बारे में, जैसे कि एक ऑडियो विजुअल्स होता है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल्स के बारे में आपको पढ़ना है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 15 नंबर में पूछा जाता है, वो सवाल क्या है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना, उसमें से एक लेसन प्लान बनाना होता है आपको। ठीक है, अब लेसन प्लान, या गुड क्वेश्चंस, लेसन प्लान भी अक्सर पूछा जाता है कि लेसन प्लान किसे कहते हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो लेसन प्लान के बारे में पूरा लिखना है आपको। लेकिन एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि अपने सब्जेक्ट्स के, अगर बायो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, तो बायोलॉजिकल साइंस में किसी एक प्रकरण पे, किसी एक टॉपिक पे आपको लेसन प्लान बनाना है, 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, कक्षा 6, 7 या 8 के लिए। जो भी प्रश्न आता है उसे आपसे पूछा जाएगा, मैथ में भी आएगा, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एक सवाल 15 नंबर में हर साल, लगभग हर साल पूछा जाता है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक आपको लेसन प्लान बनाना होता है। ठीक है, अब लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। लेसन प्लान क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं क्लास में, उससे पहले हमें खुद एक प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितनी देर में पढ़ाएंगे, उनसे कौन कौन सा सवाल पूछेंगे। तो इन सारी चीज़ों का एक प्लान बना लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लेसन प्लान कहते हैं। अब लेसन प्लान के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको मेंशन करना होता है। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ लेसन प्लान बना रखे हैं, ओके। मेरी कोशिश ये है कि जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कम से कम 3 लेसन प्लान मैं बना के बता दूं कि कौन से कैसे बनाते हैं, और इस वीडियो चैनल पे मैं अपलोड कर दूं। ऑलरेडी कुछ लेसन प्लान को मैंने बना रखा है, अपलोड कर रखा है, बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, उस पर लेसन प्लान बनाई जाएगी, और 2-3 लेसन प्लान हर एक सब्जेक्ट पर, 3 लेसन प्लान आप उसमें से जो भी बेहतर लगे आप उसे देख सकते हैं, या फिर जब आइडिया हो जाएगा कैसे बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप ये कन्फ्यूजन मेरे साथ था जब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे एक रिक्वेस्ट के साथ। क्या रिक्वेस्ट है कि मैंने कुछ लेसन प्लान बना रखे हैं, ठीक है, आप मेरे चैनल पर आएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा लेसन प्लान, लेसन प्लान में देखेंगे तो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है लेसन प्लान, बाकी मैं एक हफ्ते के अंदर जो भी लेसन प्लान्स मेरे पास हैं सारे सब्जेक्ट्स के 2-3 दिन लेसन प्लान मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप लेसन प्लान देखिए, लेसन प्लान देख के खुद को प्रिपेयर करिए कि कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, और यकीन माने जब आप 2-3 लेसन प्लान बना लेंगे ना, तो फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं ही लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये लेसन प्लान 15 नंबर में इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, तो आपका 15 नंबर इजिली ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने कोई लेसन प्लान बना रखा है तो प्लीज़ वो टेलीग्राम पे मुझे शेयर करिए, ताकि मैं उसका भी वीडियो बना दूँ, ताकि वो और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। अगर इन केस उसमें कुछ कमी बेशी होगी तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे एक रिक्वेस्ट के साथ कि टेलीग्राम में एक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन करिए और एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। लेसन प्लान को ख़त्म करते हैं 2-3 दिन में, जो भी लेसन प्लान बच गए हैं हर एक सब्जेक्ट के 2-3 दिन लेसन प्लान हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो हमारा 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, अगर चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ सकते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके। प्लीज़ आप इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कर दें, ताकि तो एक हम टीम बना के, एक ग्रुप बना के साथ में पढ़ लेते हैं, यही मेरी कोशिश होती है। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने दूसरे कॉलेज ग्रुप में, क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, एक टीम बनाएं कि साथ में मिलकर हम पढ़ते। तो चलो, एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि लेसन प्लान हमें पढ़ लिए, लेसन प्लान हम बता देते हैं उस वीडियो में। अगर आपके पास कोई लेसन प्लान है तो वो हमें टेलीग्राम पे भेजिए, और फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो बना के, ओके। इनकेस अगर आप वीडियो बनाना भी चाहते हैं ना, तो मोस्ट वेलकम, आप वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं, वो भी मैं अपना चैनल पर शेयर कर लूँगा, इवन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और कोई एडिटिंग होती है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि आप जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो लेसन प्लान देख लेते हैं एक एक करके, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे मत देखिएगा, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होगा वो देखिएगा, ठीक है। और ऐसे आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में दोनों के अगर 2-2 लेसन प्लान देख लेते तो 15-15-30 नंबर का आपका यहां पे कंफर्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम सिलेबस को कवर करेंगे, और अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी डेली, मंडे टू सैटरडे आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, आप डे बाई करके बस देखते जाइए, बस देखते जाइए, एग्जाम से पहले मैं आपके सारे पेपर्स तैयार करा दूंगा, अब रेगुलर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।